नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। एसटीईटी 2019 का परिणाम आखिरकार आज शुक्रवार के दिन जारी हो ही गया है। काफ़ी लंबे इंतज़ार और हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एसटीईटी 2019 के परिणाम को घोषित किया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर भी उपस्थित है। जो रिजल्ट जारी किया गया है वो आप bsebstet2019.in और biharboardonline.gov.in पर देख सकते हैं। एसटीईटी 2019 का रिजल्ट आने के बाद बिहार में 37,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। एसटीईटी का रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद अब बिहार सरकार नियोजन का शेड्यूल बनाएगी। उसके बाद जिलावार नियोजन प्रक्रिया शुरू होगी। नियोजन इकाइयां रोस्टर और मेधा के अनुसार रिक्त सीटों पर मेरिट सूची बनाएगी। गौरतलब हो कि हाल ही में हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी परिणाम जारी करने से संबंधित मामले में अपना फैसला सुनाया था। आपको बता दें कि बिहार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फिलहाल 37,335 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। जो पद रिक्त हैं उनमें 25,270 पद माध्यमिक और 12,065 पद उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए हैं। पिछले दिनों पटना उच्च न्यायालय ने एसटीईटी 2019 को वैध करार देते हुए जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करने के आदेश दिए थे और इसी के आलोक में आज शुक्रवार के दिन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एसटीईटी 2019 के परिणाम घोषित किए हैं। आपको बता दें कि एसटीईटी 2019 का नोटिफिकेशन सितंबर 2019 में जारी किया गया था। परीक्षा ऑफलाइन मोड में जनवरी के महीने 2020 में ली गई थी, लेकिन कुछ कारणों से यह परीक्षा बाद में रद्द हो गई थी। उसके बाद सितंबर के महीने में कोरोना काल के दौरान 2020 में ही यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में ली गई। हालांकि आउट ऑफ सिलेबस की बात कहके कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए और उसके बाद हाईकोर्ट ने 26 नवंबर को जारी होने वाले एसटीईटी रिजल्ट के परिणाम पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने ऑनलाइन तौर पर जो सितंबर 2020 में परीक्षा ली गई थी उसे सही माना है, उसे वैध माना है और उसके बाद रिजल्ट जारी करने की बात आदेश दिया था। उसके बाद यह रिजल्ट आज शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जारी किया है। अब ऐसे में बिहार में जो शिक्षकों की कमी थी, जो नियुक्तियां रुकी हुई थी, उस पर अब बड़ी बहाली जल्द से जल्द होगी। जल्द ये नियुक्तियां कराई जाएंगी। खुद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ये बात कही है कि ये जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास हुए हैं वो पात्रता रखते हैं कि वो जो नियुक्तियाँ शिक्षकों की कराई जाएंगी उसमें वो नियुक्त हों। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नौजवानों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने वाले हैं और उसके पहली कड़ी की शुरुआत आज हो रही है। जो आपको आनंद किशोर जी ने बताया कि लगभग यूं तो 37,000 वैकेंसीज है, लेकिन उसमें से 25,000 के आसपास 24,599 एग्जैक्टली वो आज नतीजे घोषित हो रहे हैं। और ये जो घोषित हो रहे हैं ये समझिए कि लगभग इतनी या और भी अधिक वैकेंसी मतलब रिक्तियां हैं, पहले से रिक्तियां। इसलिए अमूमन आज जितने लोग इसमें उत्तीर्ण या सफल घोषित हो रहे हैं वो सब के सब या तो 9वीं-10वीं के लिए या 11वीं-12वीं के लिए, जिसको कहिए माध्यमिक विद्यालय में या उच्च माध्यमिक विद्यालय में, ये सभी शिक्षक नियुक्त होने की पात्रता रख रहे हैं। इस उत्तीर्णता की बात और आप सब जानते हैं कि ये सातवें चरण की नियुक्ति होगी, सातवें चरण की, जिसके ये सब इंटाइटल मतलब हकदार हो गए हैं उसमें शामिल होने के। और इसमें इतनी नियुक्ति हो रही, अभी आप लोगों भी ने देखा होगा हमारे प्रदेश के कुछ छात्र
मतलब परेशान हो रहे हैं कि छठे चरण की नियुक्ति भी हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे भी आप सबने देखा होगा, सुना होगा कि हम लोग विधानसभा के फ्लोर पर, विधान परिषद में भी लगभग प्रतिदिन इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं कि वो मामला न्यायालय में लंबित है, और उसमें भी हम आपको भी बताना चाहते हैं और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को भी, और जो अभ्यर्थी हैं उन परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले कुछ लोग यहाँ भी आए थे, उनको भी हमने बताया है कि हम लोग सरकार की तरफ से पूरी मुस्तैदी से लगे हैं, और मुस्तैदी का आलम ये है कि कोर्ट से हम लोगों ने कहा है कि भाई आपका जो जो डायरेक्शन है, और ये भी अच्छी बात है कि वो जो कह रहे हैं या कोर्ट ने जिस बिंदु पर विचार करने के लिए मामले को अपने यहाँ एडमिट किया है और आगे की कार्रवाई स्थगित की है, उन सब मामलों में या उन सब बिंदुओं पर हम लोग सरकार खुद वही करना चाह रही है जो कोर्ट की मंशा है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।